जिला कलेक्टर द्वारा गेहूं खरीदी कोरोना वायरस को लेकर दौरा किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों को गेहूं खरीदी के लिए आदेश दिए, जिसमें बताया गया कि सभी सोसाइटी पर किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए एवं इसके पश्चात नगर में कोरोना वायरस को लेकर भी दौरा किया, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि राजगढ़ जिले में स्थिति नियंत्रण में है, पूरे जिले में अभी एक भी केस पॉजिटिव नहीं है। साथ ही अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करवाएं, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और नगर में जो सामाजिक संस्थाएं लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को सामान और भोजन पहुंचा रही है, इस संकट की घड़ी में जो संस्थाएं प्रशासन के साथ खड़ी है उनको भी धन्यवाद दिया। अनुविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ जैन से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई उन बिल पर भी हो सकती है जिनका एमआरपी रेट तय है, बाकी खुले सामान पर शासन की निर्धारित दर देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि यदि कालाबाजारी हो रही है तो आप हमको दुकानदार का नाम तथा साक्ष्य दें, उस पर कार्रवाई करेंगे। रश इंडिया न्यूज के लिए भगवान से उमठ नरसिंहगढ़ की रिपोर्ट। अपना लॉकडाउन खत्म होते ही 14 तारीख के बाद उम्मीद है कि उपार्जन शुरू हो जाएगा। सर एक छोटा सा प्रश्न था, आज गैस एजेंसी पर बहुत लंबी लाइन लगी सर, और दूसरी जगह भी जहाँ भी अपन 1-2 घंटे की जो ढील देते हैं, कुछ लोग अनचाने पास में पहुँच जाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी सख्ती की जा सकती है? बिल्कुल सख्ती की जा सकती है। बैंक्स में भी लाइन लगी हुई है, तो बैंक्स का भी मैंने सर से बात करी है कि टाइमिंग अगर हम चेंज कर पाएं कुछ, इस बात पर हमने गौर किया है। दूसरा जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, हमने एक सिस्टम बना दिया, अब वो पंचायतों में बैठेंगे। हमने डेट बता दी है किस पंचायत में कौन सा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैठेगा और आसपास के पंचायत वाले लोग वहीं पे अपनी इंक्वायरी और विड्रॉल कर सकते हैं। ये सिस्टम हमने बना दिया नरसिंहगढ़ के लिए। सर बैंक क्योस्क का एक और मामला सर, कई लोग ग्रामीण क्षेत्र में है उनकी आईडी, लेकिन वो अवैध रूप से चला रहे हैं सर, एक ही दुकान पे 3-3 लोग बैठे हैं। छूट दी जाती है उस दौरान, यहाँ पर हाट बाजार की तरह भीड़ लग जाती है। प्रशासन यहाँ पर जो है, जो काम कर रहा है वो काम तो कर रहा है, पर लोग आदेश नहीं मान रहे हैं, ऐसे में सख्ती कब बरती जाएगी? देखिए सभी को सूचित किया गया है कि लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि ऐसा पाया जाता है कि बड़ी संख्या में लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सभी को हिदायत देना चाहूँगा कि धारा 144 का उल्लंघन ना करें और शासन के निर्देशों का पालन करें। सर किराने की रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।